हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ योर ब्रदर अज़र खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले आपने वीडियो देखी होंगी, मेरे गांव की मज़ार था वगैरह। और आज मेरा सेकंड डे है गांव में। और अभी मॉर्निंग में सुबह मैं अपने ये यहां पर आ गया था बाग में। अमरूद और आम का बाग फिलहाल अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, प्रोग्रेस में है, चल रहा है। और अमरूद के तो काफ़ी बड़े पेड़ हुए। हाँ, चलो आप देखो जरा पेड़ कैसा सीधा जा रहा है। यार ये किस चीज का है? अमरूद ही है, अमरूद है। कहाँ गए मोहसिन भाई? तो यार विलेज लाइफ काफ़ी हैपनिंग होती है वैसे तो। और क्या कहते हैं, नेचर पूरी नेचुरलिस्टिक होती है, आपको ग्रीनरी की कमी नहीं मिलेगी, हर जगह पेड़ ही पेड़ होते हैं। और मेरे हिसाब से तो अगर सिटी लाइफ जो है वो चली विलेज लाइफ की वजह से रही है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन जो हम लोग खाते हैं सब विलेज से ही हो रहा है, फार्मिंग विलेज से ही हो रही है। मतलब शहर को विलेज चला रहा है मेरे हिसाब से तो। और वैसे सिटी का मतलब दोनों की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, एक तो एक दूसरे की कमी पूरी नहीं कर सकता। लगे हैं क्या? हैं? लाओ एक हाथ तोड़ के दो यार। मुझे नहीं पता था कि इस मौसम में भी अमरूद आता। क्या हुआ, मिला कोई? यार यहाँ पे जानवर आ जाते हैं गांव के, वो गांव के जंगली काफी पेड़ खा लिए उन्होंने। और जंगल मेरे ख्याल से कितने किलोमीटर दूर होगा? क्यों, 1.5 किलोमीटर जंगल दूर है। और समझ सकते हो कोई भी एनिमल आ सकता है। काफ़ी बार यहाँ पर शेर भी आया है क्योंकि उनके पंजे देखे गए हैं। वो एक शेर वाला, वो एक कांड भी तो हुआ था तेरे आसपास है ना, एक बकरी को खा लिया था। क्या था? आदमी को खा लिया था जी कहीं आसपास। तो यहाँ पर मतलब बिना बेटे माना भी नहीं चाहिए। बड़ा तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जब पेड़ और बड़े हो जाएंगे आम के तो मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा, छाई छाई हो जाएगी सब। साइड वाला बाग मेरे ताऊ जी का है और जो वाला मेरा है, उसके बड़ा वाला वो भी ताऊ जी का है। चलो यार पहले यहाँ पर बाग था, मतलब प्रॉपर पेड़ थे काफी बड़े बड़े, फिर बाद में वो कटवा दिए थे और अब ये पापा ने फिर से लगवाए हैं। 3 साल हो गए हैं लगभग, 3-4 साल। अभी इन्हें प्रॉपरली मेरे ख्याल से अभी 2-3 साल और लगेंगे, 4 साल और लगेंगे, फिर मतलब ये कंप्लीट बाग बन जाएगा। फिलहाल अमरूद के तो हो गए, आम के बचे। फिर अब लोग आप लोग आना मेरे गांव, आपको मैं आम खिलवाऊंगा पक्का। अच्छा, वो शेर बैठे हैं कहाँ? वो देखो काले शेर बैठे कुत्ते। अरे इधर कहाँ यार, उधर सही मिल जाएगा शेर, देख के पागल हो रहा हूँ। इधर नहीं तो जंगल किनारे ये सब खेत है, यहाँ पे खेती हो रही है। डर नहीं लगता? अरे हाँ यार, जो मेरा खेत था उसमें भी तो वो, चलो खेत इतनी तरह से बड़े अभी दिखा दी। ये वाला जो खेत देख रहे हैं ये वाला मेरा है। और यहाँ पे एक 2 साल हो गए, क्यों 2 साल हो गए लगभग। यहाँ पे मेरे वो क्या कहते हैं, जो फुफेरे भाई हैं ना, तो यहाँ पर वो रात में थे, मतलब खेती उन्होंने खेत गन्ना उन्ना कुछ करा था, तो वो रात में थे यहाँ पर और उनके सामने बिल्कुल शेर आ गया था। और जब शेर आया तो क्या कहते हैं, 2 लोग थे वो, तो वो भागे और वो इस ये जो नदी है ये वाली, इसमें कूद गए थे। मतलब ये रोड के किनारे ये खेत बिल्कुल, तो इसमें कूद गए थे और तैरते 1-2 किलोमीटर चले गए। पर जब वो थक गए, जब वो निकले, तभी एकदम शेर ने हमला कर दिया था दूसरे वाले पे। भाई तो बच गए थे मेरे फिलहाल, क्योंकि शेर एक को ही खाता है। अगर 2 लोग हुआ आप तो दोनों को नहीं मारेगा, एक को ही खाएगा, इसलिए दूसरे को साथ लेके जाया करो ताकि तुम बच के रहो। लो जी, अब हम आ गए बायफर्केशन।
बहुत बार देख लिया आपने मेरी वीडियो में, क्या दिखाऊँ पक गए हो गए देखते देखते, मतलब ऐसे ही आ गया था। फोटो वोटो खींचने सुबह के टाइम अच्छा लगता है, देख लो आप फिर से देख लो एक बार क्या जा। अभी घर से बाहर आया था ना, तो इस वजह से मैंने बैक टू बैक वीडियोस बना दी, क्योंकि टाइम मैनेज कर लिया मैंने। वैसे मेरे पास अलग से टाइम मैं कहाँ से निकालूँ अब इसके लिए। इस वजह से जो है मैं वीडियोस डालता नहीं हूँ, रैंडमली डालता हूँ बहुत बहुत, मतलब काफ़ी वीक्स में जब मेरे पास, मतलब कहीं जाता हूँ तभी बना लेता हूँ। बेसिकली मैं अपनी मेमोरी शूट करता हूँ और अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये है मेन मोटिव मेरा इस चैनल का। मुझे एक ऑडियंस चाहिए जिसे मैं अपने जो क्या कहते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूँ सिंपली। और बाकी जो है आप घूम ही रहे हो, घर बैठे बैठे घूम रहे हो, है नहीं है। फिर से लौटते पे यहाँ पर आ गए थे, खुद ही पहचान लोगे जगह तो। ये देखो शेर, शेर के लिए फेमस है फिर भी टाइगर रिजर्व, फिर भी टाइगर रिजर्व में टाइगर की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई है। पत्थर बिल्कुल ऐसे लग रहा पहाड़ों में हो कहीं, उनको नीचे चलते। आप मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं बिल्कुल सीनरिक लग रहा है, मतलब काफ़ी सही व्यू लग रहा है यार। और अभी इस टाइम नदी जो है सूखी हुई, नहर जो है सूखी हुई है, इस वजह से इधर पानी नहीं है। वैसे पानी चलता रहता है हमेशा, और पानी के अंदर पत्थर रहते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ये पत्थर होते हैं जो नदी का फ्लो होता है ना नहर का, उसको कंट्रोल करने के लिए पत्थर डाले जाते हैं। फिर बाद में तो रेत होती है, देखो आगे रेत है सब। इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। और कैसे लगे आपको वीडियो, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, और कमेंट सेक्शन में बताना कोई इंप्रूवमेंट या कोई सजेशन या कुछ भी जो आप बता सकते हैं, जो आपको लगे मुझे वीडियो में डालना चाहिए आप बता सकते हैं। एंड ऑल्सो सपोर्ट मी, लव यू ऑल, बाय, टिल देन बाय।